हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू VFX 5 वंस अगेन। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक रहेगा बहुत ही आसान सा टॉपिक रहेगा, मतलब बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने कुछ क्लीन अप करके बताया था, तो उसी की कंटिन्यूएशन में मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि थी कि ये तो बता दिया बट मेरे को ग्रेन मैचिंग आपने नहीं बताया है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इसी की कंटिन्यूएशन में एक वीडियो बना दी जाए जिसमें ग्रेन मैचिंग से रिलेटेड चीज़ें मैं बताऊं। तो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरीके से हम क्लीन अप करते हैं अपनी किसी भी एलिमेंट को, अगर क्लीन करना हो अपने फुटेज से तो किस तरीके से, एक तरीका देखा था हमने जिसको यूज़ करके हमने क्लीन अप किया था। बट मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये मेन हमारी फुटेज है। अगर आपको देखना हो ग्रेन, तो सबसे ज़्यादा ग्रेन जो विजिबल होता है वो होता है ब्लू चैनल में, राइट? तो कीबोर्ड पे हिट करें ब्लू और थोड़ा सा व्यूअर का गामा डाउन करें और अगर प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रेन बहुत ही अच्छे तरीके से विजिबल हो जाएंगे। ऐसे ही ग्रीन आपको रेड चैनल में भी मिलेंगे, ग्रीन चैनल में भी मिलेंगे, जैसे मैंने ग्रीन के लिए जी हिट किया और वैसे ही ब्लू चैनल में मिलेंगे, राइट? सो सबसे मेजर हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे हम जब भी काम करते हैं तो किसी भी फुटेज पे सबसे पहले हम उसको ग्रेन हटाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ग्रेन ऐड करते हैं। जैसे क्लीन अप किया है तो हमने जो क्लीन अप किया है वो स्टैटिक है बेसिकली। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको तो ये स्टैटिक है, यहाँ पे जो क्लीन अप मैंने फ्रेम होल्ड करके किया है, दिस इज़ अ स्टैटिक, राइट? तो इसमें क्या होगा, ग्रेन नहीं, इसमें मूवमेंट नहीं होगी, ग्रेन में मूवमेंट कोई नहीं होगी। जैसे मैं प्ले करके दिखाऊं तो कोई भी ग्रेन मूवमेंट नहीं हो रहा है। और लाइव फुटेज की सबसे जो मैं एक मेजर बोलना चाहूँगा कि लाइव फुटेज का जो एक क्वालिटी होती है वो होती है ग्रेन में मूवमेंट। तो उस मूवमेंट को हमें मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको स्कैन लाइन रेंडर से, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कैमरे के अकॉर्डिंग मूव तो हो रहा है बट इसमें ग्रेन की मूवमेंट नहीं है। इफ यू सी, ग्रेन की मूवमेंट नहीं है। तो वो कैसे मैच करते हैं, एक मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। एक नोड लेंगे दैट इज़ कॉल्ड एफ री ग्रेन, जैसे यहाँ पे नहीं आ रहा है तो लेट मी टाइप एफ, नहीं आ रहा है, सिंपल सा आप यहाँ पर जाएँ, यहाँ पर होगा एफ री ग्रेन। यहाँ पर एफ री ग्रेन में दो इनपुट्स रहेंगे, राइट? कौन कौन से इनपुट हैं, दैट इज ग्रेन और सोर्स। तो आपका सोर्स जो होगा दैट विल बी दिस और ग्रेन जो होगा दैट विल बी योर दिस वन, राइट? ध्यान रखें, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, राइट? और ये पूछेगा कि आपको सैंपल किस एरिया से करना है ग्रेन, तो मैं प्रीफर करता हूँ ग्रेन सैंपल करना बिल्कुल फ्लैट सरफेस से, जहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो, राइट? इन्फॉर्मेशन मतलब सरफेस की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, राइट? सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पे मेरे को लगता है कि सरफेस की इन्फॉर्मेशन बहुत फ्लैट है, डिस्क है तो फ्लैट ही होगा ऑब्वियस। अब मैं यहाँ पे देखूँ अगर एफ री ग्रेन में, तो वट आई विल हैव ग्रेन, देख रहे हैं यहाँ पे? और अगर प्ले करोगे आप तो ये आपका मूवमेंट वाला रहेगा, राइट? सी, इसमें कभी कभी क्या होता है आपको, जैसे अब मैच करता हूँ मैं कि ग्रेन मेरे रेफरेंस से मैच हो रहा है कि नहीं, तो एक रेफरेंस दो ये और यहाँ से जाके वाइप करते हैं, तो मैं चेक करता हूँ जस्ट प्लेट, तो ऑलमोस्ट मेरे को ग्रेन मैच होता हुआ नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट। मैं चैनल, बाकी चैनल भी चेक कर लेता हूँ, जैसे रेड चैनल देखता हूँ, प्रेटी मच हैप्पी विद इट रेड चैनल। ग्रीन चैनल देखता हूँ, ग्रीन चैनल में भी ऑलमोस्ट मैच हो रहा है और ब्लू में भी मैच हो रहा है। बट समटाइम व्हाट विल हैपन, कभी कभी आपको ये जो मैच हो रहा है ये लकीली मेरा मैच हो गया है, कोई इशू नहीं है,
बट अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल चैनल में जाना पड़ेगा। जैसे मैं मिड रेड चैनल में जाता हूँ और यहाँ से एक एडवांस का ऑप्शन होता है, यहाँ पे ग्रेन का अमाउंट और ग्रेन का साइज जो होता है वो तीनों चैनल पे वर्क करेगा। मतलब आपने वहाँ से 0.2 कर दिया तो रेड में भी 0.2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, ग्रीन में भी 0.2 की वैल्यू से बढ़ जाएगी और ब्लू में भी 0.2 की वैल्यू से बढ़ जाएगी। ये ओवरऑल ग्रीन का अमाउंट और ग्रीन का साइज ये कंट्रोल करता है। बट अगर इंडिविजुअल चैनल में जाके आपको कंट्रोल करना है तो व्हाट वी यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू एडवांस। एडवांस में जाएंगे आपको तीनों चैनल का अलग अलग मिल जाएगा, रेड अमाउंट रेड साइड, ग्रीन अमाउंट ग्रीन साइज, ब्लू अमाउंट ब्लू साइज। तो हम देखते हुए अगर मेरे को लगता है कि रेड में मेरे को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चेंज करने की ज़रूरत है, रेड में थोड़ा मिसमैच हो रहा है, तो आई कैन वर्क विद रेड, आई कैन वर्क विद ग्रीन, आई कैन वर्क विद ब्लू एज वेल। तो इस केस में फ़िलहाल मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट मैच है, कोई इशू नहीं है, तो मैं मैच नहीं करूँगा। बट अगर मैच नहीं होता तो ऑब्वियस आई नीड टू वर्क विद दिस थिंग, चैनल के अलग अलग। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे, जो मेजरली हम लोग मिस कर देते हैं। यहाँ पे देखो कि आपको लग रहा है ग्रेन तो ऐड हो गया यहाँ पे, बट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ग्रेन ओवरऑल ऐड हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ग्रेन ओवरऑल ऐड हुआ है। आई डोंट वॉन्ट दैट। अगर मैं इसको अपने कॉम के ऊपर ऐड करूँगा तो ये भी ग्रेन आपको बेस फुटेज पे आएंगी, तो वी डोंट वॉन्ट दैट। तो कैसे करेंगे इसको फिक्स, लेट मी शो यू। बहुत सिंपल है, आप एक अनप्रीमल्ट नोड लेंगे, अनप्रीमल्ट नोड को आपके फुटेज, मतलब आपने जो जिस पे ऐड करना है ग्रेन उसके और एफ री ग्रेन के बीच में लगा देंगे अनप्रीमल्ट। अनप्रीमल्ट लगाने के बाद एक प्रीमल्ट आप री ग्रेन के बाद में लगा दें, तो उससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मेरे को इधर मेरे को कोई ग्रेन की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, राइट। इधर कोई ग्रेन नहीं मिलेगा, अनप्रीमल्ट और प्रीमल्ट करने से ग्रेन नहीं मिलेगा। सिंपल सा फंडा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग की मिक्स भी यूज़ करते हैं तो वो भी तरीका परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। तो अब क्या हुआ, मेरे को यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ जो क्लीन अप किया था मैंने उसमें अगर ऑन ऑफ करूँ मैं तो सी कि ग्रेन का अमाउंट यहाँ पे ऐड हो गया है, राइट। बहुत परफेक्टली ग्रेन यहाँ पे ऐड हो गया है। दिस इज़ अ सिंपलेस्ट वे आई विल से कि जिसको यूज़ करके हम लोग ग्रेन ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी एलिमेंट पे या किसी भी फुटेज पे। सो आई गेस समझ में आया रहेगा आज का जो बेसिकली आज का जो टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक था कि किस तरीके से हम लोग ग्रेन ऐड करेंगे। तो अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को इन फ्यूचर और भी ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके। अगर कोई भी इस वीडियो में कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इसको आई विल ट्राई टू कवर इट अप। सो विद दिस सेड, दिस इज़ VFX Vibe साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे।